जितने आ रहे काम कर रहे क्या वो इंटरनेट फेस्टिवल का यहाँ बारवा में आता वैसे हम आगे जाऊँ टूरिज्म की दुनिया में इसको डेवलपमेंट करने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की तरफ बढ़ रहा है उसमें एक फिल्म फेस्टिवल की बहुत बड़ी जगह रखता है आपका हमारा खुद इस बारे में जयपुर से हैं जयपुर के बारे में अपेक्षा सबसे पहले आज जयपुर के महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित जयपुर फिल्म फेस्टिवल संपूर्ण संस्था परिवार को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे राजस्थान को जयपुर नगर को गुलाबी संस्कृति को समस्त राजस्थान की परंपराओं को राजस्थान की हेरिटेज को हमारे राजस्थान की संस्कृति को दिखाने का जो प्रयास है उस प्रयास को आज राधेश्याम जी के कलवा राजस्थान निवासी शेखावाटी के निवासी राजस्थान की जो चित्र दिखाई जा रही है जो छाया दिखाई जा रही है उसके लिए मैं बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जयपुर फिल्म फेस्टिवल के सभी जितने भी आयोजन करता है इस संस्था के उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने बहुत ही सुंदर मेरी भाषा में कहूँ तो एक अनुष्ठान है जो अनुष्ठान आप लोग करवा रहे हैं और इस राजस्थान की संस्कृति को और यहाँ की परंपराओं को माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँ। साथ ही मैं इस आयोजन में आकर और यहाँ के वातावरण में जो 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 सुंदर वातावरण है यहाँ का उस वातावरण को महसूस करते हुए ये प्रार्थना और निवेदन करता हूँ समस्त मीडिया वर्गों के माध्यम से समस्त न्यूज चैनल और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया सबके माध्यम से कि राजस्थान में इतना पर्यटन है इतनी संस्कृति है विभिन्न परंपराएं हैं इतने त्यौहार हैं हर दिन उठते के साथ त्यौहार हैं हर क्षण के साथ उत्सव है और इतना सुंदर यहाँ अध्यात्म है स्पिरिचुअल पर्यटन भी बहुत अच्छा है और यहाँ के बोली भाषा प्रांतीय खान पान पूरे राजस्थान में कहें कि पूरा रंग बिरंगा राजस्थान है उस राजस्थान में इतना पर्यटन है कि पिछले दिनों विदेश गया तो मैं वहाँ भी यही कह रहा था कि हमारे राजस्थान अपने आप में सबसे बड़ा अनूठा पर्यटन है राजस्थान के पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए ऐसे आयोजनों को सरकार और संस्थाएं ट्रस्ट सेठ साहूकार जो शेखावाटी के सेठ हमारे राजस्थान के सेठ पूरे जगत में प्रसिद्ध हैं ये सब मिलकर चाहे तो इस संस्कृति को इस परंपरा को पूरे विश्व पटल पर देखा जा सकता है। गूगल पे प्रथम अगर सर्च किया जाए तो राजस्थान सर्च होना चाहिए पर्यटन में ऐसा हो सकता है। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि चिड़ी बल्ला अपने आप में राधेश्याम पीपलवा जी ने पूरे राजस्थान को शेखावाटी के हमारे संस्कृति को और एक ऐसी ऐतिहासिक घटना को दिखाने का प्रयास किया है जिसकी जितनी चर्चा और तारीफ करें उतनी कम है लेकिन ये प्रयास यही समापन नहीं होना चाहिए ये प्रयास निरंतर चलना चाहिए। यहाँ के राजस्थान के कलाकारों को मौका मिलना चाहिए यहाँ के राजस्थान के फिल्म बनाने वाले फिल्म मेकर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी इस कार्य से जुड़े हैं पर्यटन से जुड़े हैं और इसकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में खूब डॉलर्स की आवक हो उसके लिए सरकार और संस्थाओं को आगे बढ़कर इन लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि ऐसे आयोजन होते रहें और राजस्थान की संस्कृति यहाँ का लोग परंपराएं ये लोग पूरे विश्व में जाए और विश्व का पर्यटन यहाँ राजस्थान में आए और शेखावाटी क्षेत्र और पूरे राजस्थान में आप देखेंगे तो पर्यटन की कोई कमी नहीं है खाली उसको दिखाना और बताने की आवश्यकता है। बड़ी बड़ी फिल्में शेखावाटी में बनी है पिछले दिनों वो एक सलमान खान की फिल्म बनी थी भाई बजरंगी ऐसे बजरंगी भाईजान तो बहुत बड़े बड़े ऐसे फिल्म बनती हैं राजस्थान में कोई कमी नहीं है बस खाली अब तो राजस्थान को प्रेजेंट करने के लिए आज चिड़ी बल्ला से एक मुहूर्त शुरू हुआ है ये मुहूर्त आगे जाना चाहिए और निरंतर इसके साथ संस्था और सरकार मदद करके और इसे बढ़ाने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज यहाँ पर फिर से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। आप जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आयोजन के अवसर पर आत्मा करके
स्वामी जी बाजी संबोधित थे, जिन्होंने राजस्थान को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कि राजस्थान कितना सुंदर, कितना है, कितना बढ़ सकता है, उसका अपना अमूल्य मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद।